नमस्कार दोस्तों, आज आपको यूरोप मध्य एशिया की ऐसी झील के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में अनोखी है। एक ऐसी झील जिसने एशिया और यूरोप को आपस में एक साझी संस्कृति के रूप में जोड़ के रखा हुआ है। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सागर की। यह झील काकेशस पर्वत के पूर्व में पश्चिम में विशाल स्टेपी मैदानों के बीच में स्थित है, जो यूरोप और एशिया के भागों को अलग करती हुई स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फारसी में कैस्पियन सागर को दरियाए मंजदराज कहा जाता है। फारसी में इस सागर का नाम दरियाए मंजदराज के नाम से भी जानी जाती है। यह एशिया की एक झील है जिसे अपने प्राकृतिक आकार के कारण सागर कहा जाता है। मध्य एशिया में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी झील खारे पानी की, इसका क्षेत्रफल 4,30,000 वर्ग किलोमीटर है। यह एक स्थलरुद्ध झील है, पानी सिर्फ बाष्पीकरण के द्वारा ही बाहर जाता है। कैस्पियन सागर ऐतिहासिक रूप से काला सागर के द्वारा बॉस्फोरस, इजियन सागर और भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस झील का खारापन 1.2% है, जो विश्व के सभी समुद्रों के कुल खारेपन का 1/3 भाग है। कैस्पियन सागर का कैस्पियन नाम इसके किनारे पर बसने वाली प्राचीन कासिप जाति के ऊपर पड़ा है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है। यूरोप से आती बोल्गा नदी, जो यूरोप के 20% भूमि क्षेत्र को सींचती है, कैस्पियन सागर के 80% जल का स्रोत है। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह रूस के महत्वपूर्ण जलमार्ग नदी है। बोल्गा नदी का अधिकांश लंबाई वर्ष के 3 महीने के लिए जम जाती है। इस पर इन दिनों स्लेज द्वारा माल की ढुलाई की जाती है। यह नदी नहर के द्वारा बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर तथा मॉस्को से जुड़ी हुई है। बोल्गा नदी के किनारे स्टालिनग्राड, गोर्की, सराटफ, स्टेरोकेन जैसे महत्वपूर्ण शहर है। बोल्गा नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी के रूप में भी जाना जाता है। बोल्गा नदी का डेल्टा और उसके समीप का कैस्पियन सागर का जल विश्व में प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्रों में एक है। बहुतायत इस क्षेत्र में मत्स्य का पालन का काम भी किया जाता है। वसंत ऋतु में इस नदी पर भीषण बाढ़ आती है, जिसके कारण कैस्पियन सागर के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और जल निकासी का इस सागर से केवल एक ही रास्ता है, वो बाष्पीकरण है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से एक स्थलरुद्ध या लैंडलॉक सागर या झील है। इसके अलावा कैस्पियन सागर में जो दूसरी सबसे बड़ी नदी का मुहाना है, या नदी जो अपना गिरती है कैस्पियन सागर में, वो है यूराल नदी। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान में बहती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा और डेन्यूब के बाद यह यूरोप की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यूराल नदी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। इसी नदी के पश्चिम में यूरोप शुरू होता है और पूर्व में एशिया महाद्वीप है। कैस्पियन सागर के चारों ओर रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान देश बसे हुए हैं। इन पांचों देशों के बीच में
सागर स्थित है। इसके पश्चिम में काकेशस पर्वत और पूर्व में मध्य एशिया का स्टेपी क्षेत्र आता है। इसके दक्षिण में रूस का उपजाऊ मैदान आता है।